हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा चैलेंजिंग वीडियो, मेकअप चैलेंज वीडियो है। एंड आई एम श्योर आप सबको मेरे चैलेंजेस वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, एंड मैंने सुना भी है आप सबको बहुत सारे चैलेंजेस वीडियोस पसंद आते हैं। तो आज काफी दिनों के बाद जो है मैं व्लॉगिंग से थोड़ा हट के एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जो कि चैलेंज का है। और गाइस, ये है मेकअप चैलेंज, और इन फ्यूचर बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, मैंने लाइन अप करके रखे हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, मैं एक्चुअली व्लॉगिंग बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ तो चैलेंज करना चाहिए, और मेकअप चैलेंज हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेकअप इज माय पैशन। तो जो है गाइस, कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, एंड आप बताएगा कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस देखने हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे कुछ चैलेंजेस, तो मैं वो चैलेंजेस करूंगी। और गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी इसके साथ देने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कौन कौन सी बीबी एंड सीसी क्रीम यूज करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि मैं यूज करने वाली हूँ 30 लेयर्स ऑफ ऑल द सीसी क्रीम एंड बीबी क्रीम, और उसके साथ मैं मेकअप को सेट भी करूंगी अपने। तो देखते हैं कैसा है, बहुत ही चैलेंजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है, बहुत ही यू नो अच्छा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, एंड या ऑफकोर्स चैलेंजिंग ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये है निविया का लोशन, तो ये है ऑल इन लोशन रोज एंड ऑर्गन ऑयल। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, 400 ml का है। तो सबसे पहले मैं अपनी यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मैं स्किन केयर करूंगी, तो निविया से करूंगी, निविया के आर्गन लोशन ऑल इन लोशन रोज एंड आर्गन ऑयल से। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मैक की प्रेप प्लस प्राइम, ये है बीबी क्रीम मैक की ब्यूटी बाम, एंड ये है SPF 35। तो ये मैक की बीबी क्रीम मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, और इसके बहुत सारे मैं लेयर्स यूज करूंगी अपने फेस पे। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ लैक्मे 9 to 5 नेचुरल, ये है सीसी क्रीम हनी विथ प्योर एलोवेरा SPF 30 PA++। तो ये क्रीम गाइस बहुत ही अच्छी है, अगर जिनके फेस पे एलोवेरा जेल सूट करता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी, स्पेशली जिनकी यू नो ऑयली स्किन है। तो इसको मैं इसके बहुत सारे लेयर्स यूज करने वाली हूँ अप्लाई करने। इसके बाद मैं लैक्मे 9 to 5 की, ये है लैक्मे फैशन इंडिया लैक 9 to 5 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम, एंड इसका नंबर है 02 हनी ऑल इन वन इंस्टेंट स्टाइलिश SPA 30 PA++ और रोज गोल्ड बटन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका यू नो रोज गोल्ड कलर की इसकी यू नो कैप है। तो ये क्रीम मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्रीम है, अगर आप जानते होगे मेरे वीडियोस देखते होगे ब्यूटी के मेकअप के, तो मैं इस क्रीम को बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज करती हूँ और इसको मैं डेली यूज में भी लाती हूँ। एंड गाइज, ये जो क्रीम है इसको यूज करने के बाद आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके स्किन बहुत ज्यादा यू नो पिगमेंटेशन नहीं है आपके स्किन में, आपकी स्किन क्लियर है क्लीन है तो डार्क सर्कल नहीं है, तो ये दिस क्रीम इज द बेस्ट क्रीम फॉर द फेस्टिवल सीजन। तो इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं किसी भी स्टोर से, अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी लैक्मे का रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन, और गाइस ये रोज पाउडर बहुत ही अच्छा है, लूज पाउडर है और हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे से यू नो सेटल कर देता है। तो मैं सारी क्रीम को अप्लाई करने के बाद इस पाउडर को कॉम्पैक्ट को यूज करूंगी अप्लाई करूंगी अपने फेस के ऊपर। तो जैसा कि आप सबने देखा कि जो है मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कौन कौन सी बीबी एंड सीसी क्रीम यूज करने वाली हूँ, इसके पहले मैं यूज करने वाली हूँ अपने फेस पे थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी। एंड बाय द वे, मेरे फेस पे इस टाइम कोई भी मेकअप नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट मैंने काजल थोड़ी सी आईब्रो फिल की है और लिप बाम है, दैट्स इट, कोई भी मेकअप नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ शूट करने चैलेंज। तो जब मैं चैलेंज वीडियो शूट करने जा रही हूँ तो मेकअप क्यों करूंगी, पॉइंट है ना। तो चलिए, मैं अपने स्किन पे पहले थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, और मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो जो है मुझे थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइजर लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है। और गाइस, कभी भी आप कोई भी मेकअप कीजिए, ये तो चैलेंज का वीडियो है, बट अगर आप डेली में या फिर फेस्टिवल अभी आ रहा है, फेस्टिवल में मेकअप कर रहे हैं ना, तो आप अपनी स्किन केयर जरूर कीजिएगा। स्किन केयर करेंगे ना तो आपकी स्किन कभी खराब नहीं होगी, कभी भी नहीं खराब होगी, और आपकी स्किन हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही फ्लॉलेस लगेगी। तो फ्लॉलेस स्किन के लिए मेकअप करना मेकअप के पहले
स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। तो बस अब जैसा कि देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी फ्रेश हो गई है ये जो है अप्लाई करने के बाद। निविया का ऑयल इन लोशन रोज एंड आर्गन ऑयल, इसमें आर्गन ऑयल भी मिक्स है जो कि मेरे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसको मैं ऐसे नाइट क्रीम भी यूज करती हूँ, मैं रात में सोने से पहले अपने फेस वॉश कर लेती हूँ और इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे जो मेरा फेस है सुबह बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सीजन चेंज हो रहा है तो हमारी स्किन बहुत रिएक्ट करती है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो आप अपने फेस पे ये मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज द बेस्ट, अदरवाइज आप वो अप्लाई कर सकते हैं बादाम रोगन ऑयल हमदर्द शीन का, वो भी बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। मेरी फ्रेंड मेरे रिकमेंडेशन पे यूज कर रही है एंड शी इज लविंग द ऑयल। चलिए जो बातें होनी थी हो गई। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये है लैक्मे की सीसी क्रीम 9 to 5, लैक्मे फैशन वीक की है ये देखिए। तो ये क्रीम मैं यूज करने वाली हूँ और मैं 30 लेयर्स यूज करूंगी। तो 30 लेयर्स में मैं आपको बता देती हूँ, मैं वन बाय वन, फर्स्ट मैं लैक्मे की सीसी क्रीम यूज करूंगी, देन मैं मैक की क्रीम बीबी क्रीम यूज करूंगी, देन अगेन मैं सीसी क्रीम यूज करूंगी। ये है लैक्मे की नेचुरल की एंड ये है लैक्मे की हनी की। तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट लेयर ये है, और इसको मैं ब्रश की हेल्प से तो ये जो मेरे बाल है ना बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, तो मैं इसको पिन कर लेती हूँ। अब ठीक है, और मैं यूज करने जा रही हूँ मैक की बीबी क्रीम और OMG आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और ये जो क्रीम वगैरह होती है ना ये अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक रहती है, तो इसको टैप टैप करके निकालना पड़ता है इसलिए। तो ये है सेकंड लेयर, इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया है क्योंकि मेरे फेस पे एलोवेरा सूट नहीं करता है। थ्री लेयर लग चुके हैं एंड लुक एट माय फेस। वाओ, फिफ्थ लेयर निकल गया भाई। सिक्स्थ लेयर, गाइस पता है क्या, अभी सिक्स्थ लेयर है और जो है मेरा जो फेस है वो अंदर से थोड़ा थोड़ा जल रहा है, बट ये चैलेंज है तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय चैलेंज। तो आप लोग ट्राई मत कीजिए, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट माय चैलेंज। सो आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, मैंने कर दिया है आपके लिए, बस आप इसको एंजॉय कीजिए क्योंकि इट मे बी हार्मफुल फॉर माय स्किन। तो आई डोंट नो कैसा होगा बाद में इसका रिएक्शन। तो ये सिक्स क्लियर हो गई है। तो गाइस 30 लेयर्स इज डन एंड लुक एट माय फेस। मुझे ना अंदर से बहुत बर्निंग हो रही है,
बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है अंदर से, और मेरे हाथ देखो, ओह माय गॉड, मैं कुछ लेके भी नहीं बैठी हूँ कि जिससे मैं अपने हैंड को क्लीन कर सकूं। तो अब मैं जा रही हूँ अपना लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट, और इसको मैं डिप करने वाली हूँ अपने ब्रश को इसके अंदर, एंड मैं अपने मेकअप को ट्राई करूंगी सेट करने का। मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मेरा मेकअप सेट हो जाएगा, मेरे ब्रश की हालत देखिए, दिस इज कॉल्ड चैलेंज। और सच बताऊं, मेरा फेस बहुत जोर जोर से अंदर से बर्निंग जैसा लग रहा है, और मेरी टी शर्ट की हालत देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा अपने आईब्रोज पे से हटा ले रही हूं, नहीं तो मैं किसी भूत से कम नहीं लगूंगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये चैलेंज, और आप लोग प्लीज इसको ट्राई मत करना, आपका फेस खराब हो सकता है, आपके फेस पे पिंपल आ सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आप कैसे लगते हो तो आप मुझे देख लो, मेरे फेस को देख लो, और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो, देखो मेरे आईलैशेस पे भी लग गया है क्रीम, और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे लगने वाले हो इसको लगा के। तो 30 लेयर्स ऑफ बीपी एंड सीसी क्रीम, एंड इनकी हालत देखिए, ये देखिए क्या हालत हुई है, ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस ये है जो मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से, और गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप इसको एक लाइक जरूर कीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गाइस अपने फेस को थोड़ा सा हार्म तो मैं पहुंचा ही रही हूँ, मुझे पता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज बना के लेके आऊंगी। और आप मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरीके के चैलेंजेस देखने, मेकअप चैलेंजेस या फिर फूड चैलेंजेस या फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस जैसे कि आई लॉक माई सेल्फ इन रूम फॉर 24 आवर्स, आई वेयर साड़ी फॉर 24 आवर्स, और आई लिव इन बालकनी फॉर 24 आवर्स, इस टाइप से कुछ चैलेंजेस अगर आपको देखने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो गाइस चलिए ये जो फेस है मैं वॉश करके आती हूँ, एंड आई गेस ये फेस मेरा OMG लग रहा है, आप इसको ट्राई मत कीजिएगा प्लीज, मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मेरा फेस बहुत ही बर्न लग रहा है, बहुत ही बर्न हो रहा है अंदर से बहुत ज्यादा, ये देखिए। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मिलते हैं अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अच्छे से रहिएगा, एंड मेरी टी शर्ट जो खराब हो गई है उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि जब आप 30 लेयर्स यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपका फेस और आपके कपड़े और आपका यू नो पूरी चीजें ऐसे ही हो जाती है।